मैं गुरु वंदना पहले करती हूँ, फिर मैं अजोरे मनवा सतगुरु देवा, भजो रे मनवा सतगुरु देवा, परम कृपालु साई महादेवा, परम कृपालु साई महादेवा, भजो रे मनवा सद्गुरु देवा, भजो रे मनवा सद्गुरु देवा, इस दिन ध्यान धरूं मैं तेरा, इस दिन ध्यान धरूं मैं तेरा, जन्म जन्म का मिटे अंधेरा, जन्म जन्म का मिटे अंधेरा, परम ब्रह्म तम गए रूपा, परम ब्रह्म सद्गुरु रूपा, परम कृपालु साई महादेवा, परम कृपालु साई महादेवा, भजो रे मनवा सद्गुरु देवा, भजो रे मनवा सद्गुरु देवा, परम कृपालु साई महादेवा, परम कृपालु साई महादेवा, भजो रे मनवा सद्गुरु देवा, इस दिन ध्यान धरूं मैं तेरा, इस दिन ध्यान धरूं मैं तेरा, जन्म जन्म का मिटे अंधेरा, जन्म जन्म का मिटे अंधेरा, परम ब्रह्म परमेश्वर रूपा, परम ब्रह्म परमेश्वर रूपा, परम कृपालु साई महादेवा, परम कृपालु साई महादेवा, भजो रे मनवा सद्गुरु देवा। साई राम, मैं 1990 की बात कह रही हूँ, जब मैंने बाबा के शरण में जब आई तो ये कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स मेरे हस्बैंड की अति ये आँख खराब हो गई थी। डॉक्टर थे वो, अब ही इज नो मोर डॉक्टर थे, और उनकी एकाएक रेटिना डिटैचमेंट हो गया, और मैंने उनका इलाज कराया करीब एक वो 89 88 से ये सब प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैं बहुत परेशान थी उनको लेकर, बेटी भी मेरी छोटी थी उस वक्त, और फिर उनको चेन्नई गई उनको लेकर, वो एक बहुत ही संकट नेत्रालय उनका इलाज कराया वहाँ, लेकिन फिर दोबारे फिर गई, फिर कलकत्ता में इलाज कराया, उनकी उनकी आँख ठीक नहीं हुई, और ये घर घर में इनको रहना पड़ा, इनके प्रोफेशन में इनका छूट गया। और मैं तो एम ए थी, मगर मैं हाउस वाइफ थी, मैं हस्बैंड जब हम लोग टाइम में हस्बैंड जॉब करते थे तो वाइफ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, घर ही देखते थे। तो फिर मैं घर से बाहर इकोनॉमिक कंडीशन से गुजर रही थी, बहुत टेंशन था कैसे क्या होगा। उस समय मैं ये हमारे मुंगेर में डॉक्टर पूर्णिमा जायसवाल हमारी अतः ये स्कूल की क्लासमेट थी, बहुत फ्रेंडशिप उनसे नहीं थी, लेकिन वो स्कूल की क्लासमेट थी। एक जगह हमारे मोहल्ले में मैं रहती थी मुंगेर में, तो बगल में ही रात बाबा का अखंड भजन चल रहा था, उसने मुझसे कॉलेज में जूनियर थी वो लड़की, उसने मुझे बुलाया कि आप भजन जन का आपको इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा भजन होता है,
चलो आप मतलब मैं आप मेरे रात में खंडन आप मेरे यहाँ आना। मैं गई वहाँ, वहाँ मुझे डॉक्टर पूर्णिमा जायसवाल जो उस समय वो वहाँ पे मुंगेर की हेड थी महिला विंग की, उनके उनसे मुलाकात हुई। और स्कूल के बाद कॉलेज में पढ़ते हुए शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर कभी मुलाकात उससे नहीं हुआ। मुलाकात हुआ, काफी इकलौती बेटी थी वो, काफी थोड़ा ये थी, प्राउड ही थी, किसी से बात बात उतना नहीं करती। स्कूल में भी कम बात, स्कूल टीचर की बेटी थी, स्कूल में उसकी मम्मी स्कूल में ही टीचर थी। उसने मुझे खुद टोका, चंदा क्या करता हो, क्या चाल है, तुम कहाँ हो, क्या कैसे हो, टोका। हमने कहा कि मुझे मेरी बुआ ने बताया था कि ये तुम इतना परेशान रहती हो, कहते हैं मेरा बेटा जो है वो साउथ में है कोई बाबा, तो वहाँ जाओ, वहाँ जाने से काफी परेशानी दूर होती है, कहते हैं मेंटल पीस भी मिलता है। तो मैंने उससे पूछा कि कहते हैं ये अररिया से वो लोग कभी सेवा में मिले थे, बताया था उसने कि वो डॉक्टर पूर्णिमा जायसवाल मुंगेर में बस सेवा में उनसे मिले थे। तो मैं जब उससे बात बात की तो उसने कहा कि तुम इंटरेस्टेड हो तो उस समय ये दूरदर्शन पर हर संडे को पिक्चर हुआ करता था, और 5 से 7 और संडे को 5 बजे से वहाँ भजन होता था बाबा के, रामपुर भिखारी समिति जहाँ मैं बाल विकास इंचार्ज रही या गुरु रही, या फिर पूरा पूरा लाइफ मैंने वहाँ बाबा के से सब कुछ सीखा मैंने। तो फिर जब मैं वहाँ तो उनसे कहा कि रामनवमी नजदीक में, मैं थर्सडे को ये सब हुआ और 2 दिन के बाद रामनवमी थी, मैं जाना चाहती हूँ, मेरे घर से थोड़ी दूर उसका घर था। बोली कि तुम आ जाओ, मैं तो पहले वही संडे को, अब तुम पिक्चर में इंटरेस्ट रखती हो क्या? मैंने पिक्चर में इंटरेस्ट तो है, मैं देखती हूँ पिक्चर। हाँ, पिक्चर में इंटरेस्ट नहीं रखो तो तुम संडे को ही भजन होता है वहाँ बाबा के यहाँ, तुम आओ। फिर बोल कहती हो कि फ्राइडे को रामनवमी है, उस दिन हम जाएंगे, तुम आप मेरे घर आ जाओ थोड़ी दूर, हालांकि 10 मिनट के रास्ते थे उसके घर आने पर, तुम आ जाओ मेरे यहाँ, फिर हम रिक्शे से हम दोनों साथ चलेंगे। तो मैं गई फ्राइडे को, गई तो वो रिक्शे वगैरह लेके, मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट लेट हो गई, लेकिन वो इंतजार कर मेरे जिससे मुझे आना था वो इंतजार कर रही थी कि वो चंदा आएगी तो साथ में चलेंगे। तो वो रिक्शे पर बैठने ही वाली थी तब उसने मुझे देख लिया। तो फिर मैं गई उसके साथ, गई वहाँ ये फ्राइडे का भजन का जो रामनवमी का भजन था उसको अटेंड किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सच में बहुत शांति हुई। और वो भी चाह रही थी कि कोई, मैं चूंकि उसके क्लासमेट थी, उसने पूछा कहाँ कैसे क्या कर रही हो, थोड़ी बाल विकास में अकेली थी, बोली कि मैं अकेले संभालना पड़ता है, तुम अगर आ जाओ तो। बाद में उसने ये सब बाद में बताया, उस दिन तो बस बटन तो कैसा लगा, अच्छा लगा, संडे को आओ। तो फिर मैं तो उसमें नॉन वेज खाती थी, मैंने हर, और हमारे यहाँ सिस्टम ये था कि संडे को ही बनता था, चूंकि सब सबों की छुट्टियां हुआ करती थी, तो संडे के संडे ही हम लोग नॉन वेज वीक में खाया करते थे। तो मैं कह कि रोज संडे को मैं जाऊंगी और रोज बाबा के यहाँ मैं खा के ही जाऊंगी नॉन वेज खा के। तो मैं उस दिन तो मैं गई खाकर, उसके बाद मैं यहाँ आई और अटेंड किया। मैंने क्या मैं मन में आया कि बाबा को मैंने कह दिया कि हर संडे आऊंगी मैं, तो आज से मैंने नॉन वेज खाना छोड़ दिया। तब से उस समय से मैं बहुत पसंद से खाती थी, मैंने छोड़ दिया। तो पहला अचीवमेंट तो मुझे वो मिली। फिर मैं 2-3 दिन तक, जब 2-3 बार मैं अटेंड की 1 महीना, तो फिर वहाँ के डॉक्टर बीजी बोस जो कि कहते हैं ये पूरे बिहार के इंचार्ज भी बहुत दिन तक रहे उनके, वहाँ उन्होंने अपना कहते हैं पुट्टापर्टी में घर वर लिया हुआ था, सेवा में हर साल जाते थे, वहीं रुकते थे, उनके साथ उनके सर्वेंट वगैरह भी आते थे, आंटी भी आती थी, दोनों सब लोग सेवा करते थे, तो काफ़ी हेल्पफुल थे सबको। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको बाल विकास का गुरु बनाना चाहती हूँ। वो अंकल डॉक्टर बीजी बोस वो आए, आप उन्होंने मुझे जिस दिन हमारी पहला क्लास था बाल विकास का, उस वो आए, उन्होंने पीछे बैठ कर मुझे जैसे देखा कैसे क्लास में क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, और बल्कि 1 महीने के अंदर मुझे बाल विकास इंचार्ज बना दिया गया। और फिर तब से मैं बाल विकास का, मैं इतना मेरी बेटी फिर ये उस समय 8th में पढ़ती थी 9th 10th के बाद वो बाहर चली आई पढ़ने, पटना 2 साल पढ़ी वो, फिर दोस्त फिर उसके बाद मिरांडा हाउस दिल्ली चली आई, फिर बाहर बाहर ही हो रहे। 15 साल की थी तब से बाहर गई, तो बाद में बस घर में खाना बनाना करना, इनके उनको सब कुछ करना, और मैं एकदम बिजी हो दिन पूरे, मंडे टू सैटरडे मैं टीचिंग का काम करती थी, और पूरा संडे फॉर साई डे वहाँ पर ही कहा जाता था, संडे फॉर साई डे। और मैं तब से पूरे संडे से
मैं दिन 5-6 घंटा मैं बाबा के लिए समय देती थी, अपने बाबा के खुद के बाबा के कार्यक्रम में खुद के लिए समय देती तो वो वहाँ भजन पहले क्लास चलता था 1.5 घंटे का, फिर 5 बजे से भजन होता था, 3 बजे में रिक्शा करके निकलती थी और वहाँ जाके बच्चों का क्लास देती थी, भजन भी सिखाती थी, फिर इंचार्ज रही बढ़ाया, बहुत सारे काम किए, लेके बच्चों को पिकनिक में जाना इस साल में 2 बार, इस तरह से बहुत सारे कहीं किसी तो किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर हम लोग घुमाते थे। काफी अच्छे डॉक्टर बीजी बोस जो हेड थे वो काफी ये उसके बहुत ही उनको प्यार था बाबा से और बच्चों से भी बहुत ही ज्यादा, वो अपने में अपने अपनी जो कमाई होती थी कितनी कुछ परसेंट वो बाबा के कार्यक्रम में खर्च प्रोग्राम में खर्च किया करते थे। तो इस तरह से सारा कार्यक्रम मेरा बढ़ता गया और मैं बाबा के पहले साल 1991 में मैं गई और 1992 में मैं पहली बार सेवा में आई और हर साल फिर सेवा में सेवा माने लगी। लेकिन हमारा स्कूल था प्राइवेट, तो स्कूल में जो मैं छुट्टी उतनी लंबी ले लेती थी क्योंकि इसमें चूंकि हम लोग की सेवा बिहार से होती थी 15 दिनों की और आने जाने में 3-3 दिन लगते थे, तो 20-25 दिन आते थे आते थे। तो मेरे से आते हैं ये प्रिंसिपल एक बार बहुत नाराज हुए, क्या हर साल चले जाते हो सेवा में? तो मैंने कहा कि मैं वहाँ से सेवा करती हूँ, तो उन्होंने मुझे एक लाइन कर दिया कि अभी आपका काम है बच्चों की सेवा कर। और फिर मैंने सनातन साथी आता था, मुझे बहुत एक साल नहीं गई तो मुझे बहुत थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, अफसोस भी हुआ कि नहीं जा पा रहे, तो और नौकरी में मुझे करना जरूरी था क्योंकि बेटी को पढ़ाना था, ये कुछ करते नहीं थे। तो अब एक सनातन साथी आया, उसमें लिखा था कि अगर तुम नहीं जा सकते हो इस सेवा में ड्यूटी के कारण, नौकरी के कारण, जब रिटायर करोगे तब जा। तो मैंने देखो बाबा का जवाब मुझे मिल गया। इस तरह से कई जवाब मुझे मिलते थे, मुझे कभी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत वीक था तो कभी घर में मेरे फादर थे तो मैं कभी कभी उनसे उलझ जाती थी कि आपने ऐसे शादी ऐसे कर दी, वो कर दी, जो जब माइंड डिस्टर्ब में जो फिर जब बाबा के फिर बाबा का डेली पढ़ा जाता था, ये जब भजन के बाद कुछ पढ़ाई हो पढ़ने को दिया था तो मैं कभी कभी लगता मेरे लाइफ के साथ ये बताया जा रहा है तुम ऐसे नहीं ऐसे करो ऐसे नहीं ऐसे करो। इस समय से बाबा ने गाइड करते गए, कभी जब कभी कभी बाबा लगे मेरी बेटी को भी एक बार बाबा ने स्वप्न दिया कहा कि तुम चिंता मत करो तुम्हारा सब तुम्हारा ठीक हो, तब तुम्हारा ठीक होगा। फिर कभी कभार बाबा एक तरफ से जहाँ हमारा इंट्रेंस है पीछे का उधर से बाबा आए, उसके बाद पूरे घर में चलते घूमते उनके फिर बाहर एंट्रेंस एंट्रेंस चले गए, आँख से देखा बाबा अपने अपने वस्त्र जो पहनते थे अपने हाल। बहुत एक बार साधना कैंप चल रहा था जिसमें सब लोग अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कुछ की ऐसे चमत्कार हुआ, जो बाबा ने मेरे को ऐसा कोई चमत्कार नजर नहीं आया, पर लगता मैं अभी उतना डिवोशन मुझे मेरे में नहीं आया है बाबा के लिए, इससे मुझे नहीं ऐसा कुछ मिल रहा। तो जब सब कुछ हो गया तो बाबा का फोटो बट रहा था, जब सबको फोटो सबको दिया जा रहा था मैंने लिया लग रखा, तो जैसे मैं जिसके बाद फिर दोबारा जब फोटो निकालती हूँ देख दो फोटो आ गए, तुरंत लगा कि कैसे बाबा मेरे मन में आया कि बाबा ने अब तो मुझे चमत्कार नहीं दिखाया है, सबको दिखा रहे हैं, सबने बता रहे हैं साधना के अंदर अपना एक्सपीरियंस। इस तरह से कई बार मुझे चमत्कार भी आया मेरे पास फोटो के, उस फोटो के उस समय शुरुआत हुआ, मुझे लगा कि तुरंत आया से वहाँ बहुत मैंने काम किया, सब बहुत मानते थे। जब मैं वहाँ से आने लगी, जब फाइनली जब मैं दिल्ली आने लगी तो मैंने बहुत मैं रो रही थी, सबों ने हमारे मैंने जो किया सबों ने बहुत आपने बहुत काम किया, वहाँ अपनी बेटी के पास जा रहे हो आपको वहाँ भी अच्छा ही उत्तर मिलेगा। तो मैं पहले ही जिस टाइम मुझे पता नहीं था मुझे अभी आना, चूंकि इनका डेथ हो गया तो मुझे एक साल पहले नौकरी छोड़ कर आना पड़ा, तो मैं एक बार छुट्टी गर्मी की छुट्टी में आई हुई थी बेटी के यहाँ, तो हमारी घड़ी द्वारका में मैं रहती तो मैं आज मेरी घड़ी खराब हो गई, तो मैं बिना घड़ी के मैं ज्यादातर स्टॉपवॉच पहनने की जो कि स्कूल जाती थी, तो मुझे अब उस समय मैं नई थी पता नहीं था, बेटी जवाई सब गाड़ी लेकर चले जाते थे ऑफिस, मैं तो मैंने वाली बताया लोगों ने कैसे से वहाँ ठीक होती है, जैसे बस एक समय रिक्शा किया रिक्शा से चली गई, रिक्शा से अब लौट रही थी तो देखती हूँ पार्क प्रशांत साई प्रशांति धाम लिखा है और एरो मार्क किया हुआ, मुझे लगा कि तो देखना चाहिए यहाँ भी है। तो मैं रिक्शा को बोला रिक्शा वाला को फिर जो और रिक्शा गई वहाँ देखा सब गार्ड से पूछा कब भजन होता है, उसने बताया, फिर मैं एक वहाँ थी फर्स्ट जो को वहाँ भजन होता है तो मैं चली आई फिर रिक्शा से चली तो आई अकेले, मुझे यहाँ भजन अटेंड किया वापसी मुझे फिर सब लोग गाड़ी से जा रहे हैं
किसको बोलूं कि मुझे कोई हम पहचानती नहीं हूँ, कौन द्वारका के हैं नहीं है, द्वारका से टिकट बिकने में रहती थी। तो फिर मैं वहीं बगल में मैं हाट लगा हुआ था सब्जियों का, मैं वहां चली गई। वहां जाकर मैं रिक्शा को, मुझे बहुत डर लगा था कि बहुत रात हो रही है, मैं इतना उधर बाहर रात में बाहर निकलती भी नहीं थी। तो मैं गई तो रिक्शा मिला, खैर में चली आई, ज्यादा पैसे लिए लेकिन पहुंचा दिया उसने। तो फिर मैं चली आई, फिर मैं मुंगेर वापस आ गई। तो फाइनली जब आई तो चूंकि मुझे मेरा देखा हुआ था वो, तो मैं भी दो तीन तरह थर्सडे आई। तो मुझे एक उन्होंने कहा कि बताया, पूछने पूछा भजन गाए तो भजन उन लोगों को पसंद आया। उन्होंने कहा कि आपके द्वारका से आती हैं, कहते हैं प्रभा रंजन, आपको द्वारका से ही आती हूँ। तो उन्होंने उससे मुझसे मिलाया और तब से मैं, मुझे इतने अच्छे दोनों कपल प्रभा रंजन और मिस्टर रंजन, तो उनके साथ वो मुझे घर पे आते थे, वो चैप्टर 22 में रहते थे और वो मैं 23 में रहती थी। वो मुझे आके घर मेरे गेट के पास से ले जाते थे, फिर छोड़ जाते थे। तो से मैंने वहाँ बहुत इंजॉय किया द्वारका का, मैं साईं प्रसाद। फिर मैं 2 साल से चली आई गुड़गांव। गुड़गांव में थोड़ा मेरा कनेक्शन टूट गया, कोई जितना वेल ऑर्गेनाइज वहाँ था, यहाँ लोग हैं, यहाँ भी गुड़गांव में भी डिवोटी हैं, लेकिन इतना मैं कनेक्ट नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ सोचा कि थोड़ा मैं दूर थी, गाड़ी का सुविधा नहीं थी, क्योंकि गाड़ी तो बच्चों के लिए, बच्चों लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं। तो मैं एक दो बार मैं जन्माष्टमी के भजन में गई इसलिए, लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं बाबा का भजन तो मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो मैंने साप्ताहिक भजन अपने घर में करने लगे। अब बच्चे लोग नहीं साथ, बच्चे लोग अपने बिजी रहते हैं काम में, तो मैं अकेले ही बाबा का भजन कर लेती हूँ थर्सडे को। अब 2-4 भजन गा लिया, ये आरती कर ली और प्रार्थना कर लिया। और मैंने अब तो बाबा कहे कि जब तक सांस रहेगी बाबा का ये संग रहना है, बाबा कृपा दृष्टि बनाए रखें, बच्चे सब, बच्चे जमाई सब, एक ग्रैंड सन है, सब लोग अपने अपनी जगह पर ठीक हैं सब, मतलब मैं बहुत मुश्किल से गुजरी हूँ, सब बाबा ने संभाला और नहीं थी हिम्मत हमें संभाली। साईं राम।